हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और हाँ मैं हूँ गाय ऑन बजट। आ गए हैं एक और वीडियो के साथ और इस बार ले आ गए मोस्ट अवेटेड, माय मोस्ट प्रेशियस बाय डेली वॉच कंपनी की वायु 2.0 वायु एक सीरीज इनकी पहले ही आ चुकी है, बट मैं तब लिया नहीं था। आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांड, बट नाउ जब से मैंने देवनागरी ली तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसका पाउच ये रहा, देख ना, तब ये तो मुझे इतना अच्छा लगा था। अब सोचिए पाउच जो आया है, उसके बाद तो मैं एकदम ही घायल हो गया हूँ। तो 8,000 में मुझे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इस वॉच में मिला था जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो आई वाज रियली एक्साइटेड, आई वांटेड टेक इट। सीक्वेंस N35A मूवमेंट जो मिल रहा था, विच इज़ एब्सोल्युटली मतलब जापानीज मूवमेंट, और जो फीचर्स थे उसमें जो लॉन्ग लास्टिंग है वो, और काफ़ी मतलब एजेस चलेगा वो, मतलब इतना बेहतरीन वो मूवमेंट है, जिसकी वजह से आई वांटेड टेक इट। जो प्राइस रेंज में और भी सारे फीचर्स मिल रहे थे पायलट वॉच थी, आई रियली वांटेड टू टेक इट। सो ये मैंने पहले ली 93 वॉच आउट ऑफ 1000। 500 वॉचेज वो ऑलरेडी दे चुके हैं, 500 आई थिंक फेब या मार्च में आएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे बोला कि आपने वायु ली है, तो प्लीज़ एक वीडियो बनाए ताकि आप हम लें या ना लें। पहली चीज़ आप ज़रूर लें, मैं अब भी बोल दे रहा हूँ ज़रूर लें, द फीचर्स एंड एवरीथिंग। और मैंने भी रिव्यूज़ देखे, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था जिस बिकॉज लोगों ने कहा तो मैं बना रहा हूँ कि आप HMT बहुत करते हो तो कुछ और ब्रांड का, तो मैंने फिर ये कर रहा हूँ। तो ये मैंने यूज़ भी कर लिया, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली स्टनिंग वॉच, इनकी वेबसाइट पर आप जाके परचेज करते हैं, लिंक नीचे है, आप जाके देख भी सकते हैं। एक देवनागरी वॉच है जिसका मैंने बनाया हुआ आई बटन पर लिख कर रहा हूँ, वो भी जाके देख सकते हैं। वो सस्ती वॉच थी, क्वार्ट्ज वॉच थी। दिस इज ऑटोमेटिक वॉच विथ सीको का मूवमेंट है, जापानीज कंपनी का मूवमेंट है, एंड विद हेल लॉट ऑफ फीचर्स। तो उसके बारे में बातें करेंगे, पहले इसको खोलते हैं, दिखाते हैं आपको इसके अंदर वॉच के अंदर है क्या, उसके बाद एक करके सारे जो फीचर मुझे पसंद है जिसके लिए मैंने वॉच ली वो अभी आप डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ 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 आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आना, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। और अपने काम से मैं टाइम निकाल के ये चीज़ें करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दी अप्रिसिएशन आई गेट फ्रॉम यू गाइज। सो मेक श्योर दैट अगर आप आया हो तो बुरा भी कुछ भी लगा, कुछ और भी एडिशन आपको कुछ और रिव्यू, आपको हेल्प चाहिए, आप कुछ और भी चाहते हो तो मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो या मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सो प्लीज़ प्लीज़ डू दैट, एंड आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्या है ऑन बाय। तो गाइज ये रही DWC वायु 2.0, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है, ये देवनागरी में मिला था मुझे। सो दिस इज दी वॉच गाइज, वाओ बड़ा पैकेजिंग, मतलब दिस टाइम आई एम रियली सरप्राइज। मैं पहले भी अच्छा था देवनागरी वाली पैकेजिंग देखे, बट दिस इज DWC वायु 2.0 अल्टीमेट वॉच। इनकी एक वायु सीरीज भी आई थी जो कि मेरे पास नहीं है, बट दिस आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हैव बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, जिसके बारे में बात करेंगे। यू कैन सी पैसे से कितना डिफरेंस हो जाता है, ये करीबन 2,500 की वॉच थी, तो ऐसी पैकिंग आ गई थी, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। HMT की वॉचेज लेने के बाद आपको तो पता ही है क्या आता है, डब्बा का लाल वाला, तो थोड़ा बेटर किया, बट दिस वॉज द केस। साइड में जस्ट फॉर द कंपैरिजन मैंने कहा दिस वॉच कॉस्टेड 7,999, 8,000 की थी, एंड डेली वॉच कंपनी वाई 2.0 एंड ऑटोमेटिक वॉच। इफ यू सी ये काफ़ी अच्छी केसिंग है, लेदर फिनिश, काफ़ी अच्छी इसकी जिप भी इस पर है, और डेली वॉच कंपनी लिखा हुआ है, अच्छी इनग्रेविंग, वेरी ग्लॉसी शाइनिंग लुकिंग, एंड आई एम रियली इम्प्रेस। कहीं भी आप इसको ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन तो वेरी हैप्पी, रियली इम्प्रेस। आइए अंदर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका वो करेंगे ताकि आपको एक डिटेल वीडियो उस पर बना सकें शॉर्ट क्लिप्स के साथ। सो आप डेली वॉच कंपनी वायु सीरीज 23, ये एक इनकी बुकलेट है, इसको साइड में रखते हैं, एंड दिस इज़ द वॉच। इससे भी और ये ना अंदर पूरा वेलवेट फिनिश है, ये पूरा सच्चा क्लासी लुकिंग है, गोल्डन में लिखा हुआ है, रियली क्लासी। ये जब वॉच इन्होंने अनाउंसमेंट की थी ना, तभी मेरा मन था लेने का, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द वॉच, एंड बिकॉज इट DWC से लिमिटेड एडिशन बनाते, ये 1000 वॉचेस निकल बनाने वाले थे, बनाया है इन्होंने, तो उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज द वॉच, साइड में रखते हैं ये इसमें लगाने के लिए। अंदर इन्होंने आई थिंक किसके अंदर वारंटी कार्ड है, वेरी गुड वेलवेट फिनिश। तो बॉक्स को साइड में रखते हैं, एक पर्स को पाउच हो जो भी कह लें, ब्यूटीफुल, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं यहाँ पे। नाउ इसके अंदर ये बुकलेट मिली, सो इस सेटिंग्स यहाँ से आई थिंक द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से मैंने लिया सीको N35A मूवमेंट की वजह से, ये एक बीस्ट कैलिबर मतलब मूवमेंट है। दिस विल कीप योर वॉच गुड फॉर एजेस, मतलब अमेजिंग। जिस प्राइस रेंज पे ये सब इन्होंने दिया है और भी कई फीचर्स मैं बता नहीं सकता, 24 जेवल्स
41 आवर्स का पावर रिजर्व, फुल वाइंडिंग विल गेट यू अबाउट 41 आवर्स ऑफ पावर रिजर्व। 55 टर्न्स ऑफ द ग्राउंड फुल्ली वाउंड कर देता है, रोटर डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शन, वेरी गुड। हैकिंग भी यस है, हैंड वाइंडेबल यस, दोनों है। तो इट्स प्योरली ऑटोमेटिक एंड जापानीज मूवमेंट जैसा कि आपको पता ही है। NS35 ये वेरी वेरी इफेक्टिव, इसीलिए मैंने लिया है, जिसमें बता सकूँ केयर एंड मेंटेनेंस करने के कुछ टिप्स एंड DWC प्रिंसिपल यूज मैनुअल। ये लास्ट ईयर आई थी और कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मैंने उस समय ये वीडियो मतलब बनाया नहीं, जिस बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू शो इट, बिकॉज मैं बजट वॉचेस पे ही ज़्यादा बनाता हूँ। बट लोगों ने मुझसे बोला कि वायु सीरीज में बनाऊँ, तो ही ये वॉच में बना रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली रीज़न। नहीं तो मैं बजट वॉचेस पे ही वीडियो बनाता हूँ। मैं आई थिंक मेरे पास दो ही तीन, आई थिंक पांच ऐसे वॉचेस हैं जो 5000 के ऊपर हैं। एक ऑब्वियसली HMT की है, देन दिस एंड टू ऑब्वियसली अदर ब्रांड्स जो मैंने दिखाई नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। सो इफ़ यू सी, अगर इसको हटाते हैं दिल पे पत्थर रख के, यार बहुत दुख हुआ। अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्रेटी वॉच, सिंपल एलिगेंट। अगर सामने देखते हैं तो इस पर DWC लिखा हुआ है, वायु सीरीज, एंड ये पूरा सुपर यू नो इल्यूमिनेटिव है, ग्लो है पूरा ये इसमें देखें, बस सेकेंड हैंड में नहीं है इफ़ यू सी, बाकी सब में ये ग्लो करेगा इन द डार्क, बिकॉज इट्स अ पायलट सीरीज वॉच ऑब्वियसली। तो GWC वायु सीरीज यहाँ 12 पे लिखा हुआ है, ये एक निशान बना हुआ है, ये जो इनका जो लोगो है पायलट का वो यहाँ पे बना हुआ है, DWC का लोगो यहाँ बना हुआ है 6 पे, एंड ये सब देखिए आप ग्लो कर रहे हैं ना हल्का, ये देखिए ग्लो कर रहा है ना, अभी थोड़ा सा कर रहा है, इसको थोड़ा सा सनराइज में लेके जाऊँगा तो इट विल ग्लो आफ्टर दैट। एंड वेरी वेरी एलिगेंट, ब्यूटीफुल, मिनिमलिस्टिक, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। एंड इफ यू सी यहाँ पे ब्रश फिनिश है पूरे तरीके से, वाओ। एंड ग्लास की बात करें, अगेन अनदर फीचर, इट इज़ अ सेफायर क्रिस्टल, तो स्क्रैचेस आने के चांसेस वेरी मिनिमम है इस प्राइस में, सेफायर क्रिस्टल के साथ दे रहे हैं ऑब्वियसली। एंड देन ये इसकी सीलिंग बहुत अमेजिंग है बिकॉज ऑफ द ये जो इसका क्राउन है, ये क्राउन की खास बात है कि स्क्रू डाउन है, पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा तब ये खुलता है, एंड देन यू कैन पुल ट्वाइस। सो ये खास बात है, तो अभी इस पर बारे में बात करेंगे। यू कैन लॉक इट, ये अब लॉक हो चुका है, आप पुल ये करके दो बार आप करेंगे, फर्स्ट पे ऑब्वियसली इसमें सेकंड हैकिंग मूवमेंट है तो थोड़ी देर रुक जाएगा, सेकंड पे डे रेट का भी इसमें मूवमेंट है, बट ऐसा कोई फीचर इसमें दिया नहीं है जो ऑडली होना चाहिए था, बट इस वजह से उस पर कुछ काम नहीं करेगा, सेकंड पे काम करेगा सेकंड मूवमेंट, और थर्ड पे आप इसको कर दें तो ये बंद हो जाएगा, सी इट्स लॉक्ड। एंड दिस फीचर इनेबल्स, जो इन्होंने थर्ड जो फीचर मुझे बहुत पसंद आया कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, 10 बार वाटर रेजिस्टेंट है, 300 फीट तक आप ले आ सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मिनिमलिस्टिक है जैसे मैं बता रहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें नहीं लिखी। और जो मेरी वॉच है अगर आप देखें, आई हैव गॉट द 93rd वॉच आउट ऑफ 1000, सो अभी इन्होंने आई थिंक 500 वॉचेस ही बनाई हैं, देखिए 93 लगी हैं, और अनदर 500 आने वाली, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप चूज़ कर सकें आपको लेना है कि नहीं। सो वी सी 24 जेवल्स ऑटोमेटिक वॉच एंड DWC लिमिटेड एडिशन, वाह वेरी प्रिटी। एंड अगर इसके बैंड की बात करें, इसके स्ट्रैप की बात करें, जेन्युइन लेदर, वेरी गुड क्वालिटी, 20 mm का कोई भी लेदर लग जाएगा इसमें, स्ट्रैप 20 mm के आप स्ट्रैप इसमें यूज़ कर सकते हैं कोई भी, एंड क्विक रिलीज पिन भी है, वाह। अमेजिंग, सब कुछ देने की कोशिश की, 8000 भाई इन्होंने, आइए अगर शॉट ले लेते हैं, अमेजिंग गाइस, इफ यू सी अमेजिंग। अगर ये वॉच आपको मिल रही है जो सेकंड बैच का 500 का आएगा, प्लीज़ 8000 में काफ़ी अमेजिंग फीचर्स, एंड इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग वॉच, स्ट्रैप भी बहुत अमेजिंग क्वालिटी, एंड यू फालतू कोई भी चीज़ें डायल पे कहीं भी नहीं लिखी हैं, एंड इट्स अमेजिंग। और एक और चीज़ है इसमें, देखो मैं इसी यहाँ पे, ये भी उन्होंने लोगों दे रखा है, बहुत सुंदर। आइए और बात कर लेते हैं, गाइस देख लिया अपने वॉच, माय प्रेशियस ब्यूटीफुल DWC 2.0 वायु 2.0, क्या वॉच है, अमेजिंग वॉच। जल्दी से इसके कुछ फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द मोमेंट जिसके वजह से आपको लेनी चाहिए वॉच, प्राइस रेंज जिस पे 8000 पे ये वॉच है, विथ सच अ स्टडी वॉच सीको NS35 ए मूवमेंट के साथ, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, आपके मतलब आप अगर रेगुलर सर्विस वगैरह करा रहे हो, उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो ये काफ़ी सालों तक चलेगी, आप जनरेशन में भी पास कर सकते हैं, एंड जस्ट विद द फील एंड एवरीथिंग ऑफ इट आई कैन वाउच फॉर दैट, ये आप ले सकते हो। और इतनी वॉचेस मैं यूज़ कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज पे इस तरह की वॉच मिलना
मुश्किल है, जैसे वर्चस लिया है उसमें HMT मूवमेंट है, बट दिस मतलब छक्के मार दिए भैया, मतलब लीडर्स ने एक अलग ही काम कर दिया। मैं उनकी क्वाड्स मूवमेंट को उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वाड्स जो वॉच, ये रिफर्बिश मूवमेंट नहीं है, दिस इज न्यू सीको मूवमेंट है। जो अब तक कहते हैं कि जो मैकेनिकल वॉचेस रेडोस बना रहा था, कहते हैं कि वो HMT के ही रिफर्बिश मूवमेंट बना रहे थे, बट दिस इज अ ब्रांड न्यू सीको NS35A मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो 1 पॉइंट टू फैक्टर इन। और इसी वजह से आपको ये लेटेस्ट पायलट वॉच, क्लीन ब्यूटिफुल एलिगेंट वॉच, आपको लोग नोटिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या है। सो दैट इज वाई बिग थम्स अप। अगेन इफ यू सी दिस इज, इसका जो स्टेनलेस स्टील क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, अब मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, बट ये काफ़ी इसका pH लेवल्स, डिफरेंट pH लेवल्स पे भी ये, इस पर आई थिंक स्क्रैचेस तो नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द स्टेनलेस स्टील क्वालिटी, अमेजिंग क्वालिटी है, इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इस पर ऑब्वियसली ब्रश फिनिश है, शाइनी है इफ यू सी, एंड लुक्स वेरी एलिगेंट, एंड डिफरेंट मतलब वाटर टच या डिफरेंट एसिडिक थिंग्स से भी ये ज़्यादा रस्ट या आपका स्क्रैचेस नहीं लगेगा। अब मैं वो टर्म मैं भूल गया हूँ तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट वेरी हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। नाउ अगेन, जैसे मैंने वीडियो जब मैं वॉच दिखा भी रहा था, इसकी सीलिंग काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसकी केस सीलिंग है, इसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ वन मोर रीज़न कि इसकी जो केस सीलिंग है काफ़ी, मैंने अभी आपको स्क्रू डाउन करके दिखाया, स्क्रू डाउन की वजह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं और दो पोजीशन पे जाके, फर्स्ट पोजीशन पे आप ऑब्वियसली, इसमें हैकिंग मूवमेंट है तो आपका अगर डे टाइम होता तो वो यूज़ होता, थर्ड पे सेकेंड हैकिंग मूवमेंट है तो सेकेंड रुक जाता और फिर आप उसको यू नो टाइम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ पे डे टाइम का फीचर है, वो अब जो है नहीं तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वहाँ पे आप वाइंडिंग कर सकते हैं, हैंड वाइंडिंग, ठीक है, वो यूज़ हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी सीलिंग कैपेसिटी करता है, इसी वजह से ये वाटर रेजिस्टेंट उन्होंने क्लेम किया है, 10 बार वाटर रेजिस्टेंट अराउंड 300 फिट का किया है, तो कि मुझे लग रहा है। एंड इधर भी इन्होंने केसिंग काफ़ी अच्छी की हुई है इफ़ यू सी, सो दैट इज़ वाई इट दे क्लेम ऑफ वाटर रेजिस्टेंट बाय वाटर रेजिस्टेंट एंड Absolutely amazing. Now again one more feature जो worth देखने वाली है कि इन ranges watches में जल्दी होता नहीं है, इनका crystal है। इतना इन्होंने Instagram पे भली promotion किया, इन्होंने जब watch खोलो तो उसमें इतना कुछ features इन्होंने लिखा नहीं, और ना ही watches में बहुत ही clean रखने की कोशिश की, that is one factor, ये बहुत ही clean watch है, ना कि ये नहीं लिखा है सफायर क्रिस्टल है, ये है वो, दुनिया भर का भर नहीं दिया, इफ यू सी पीछे भी वेरी लिमिटेड, आगे तो भाई वेरी क्लीन पायलट वॉच। सो जो उसका सफायर क्रिस्टल है उससे क्या होता है, स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं, बहुत बहुत मतलब आते ही नहीं, और वो भी पीछे भी है, सो दैट इज़ वाई ये वॉच बहुत टिकने वाली है, बहुत नई रहेगी अगर आप इसको ईजिली मैनेज कर रहे हो, नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टाइमली सर्विस कराते रहो। नाउ इसके इल्यूमिनेशन, मतलब इल्यूमिनेटिव वॉच है ये, इसके जो ये सारे इंडाइसेस हैं वो भी इल्यूमिनेट करते हैं, ग्लो करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मैंने वीडियो में थोड़ा सा झलक दिखाई है, बट काफ़ी ज़्यादा ये सारे इल्यूमिनेट करते हैं। सेकंड हैंड पे कोई ऐसा नहीं है, स्टील स्टेनलेस स्टील सेकंड हैंड है, बाकी इट ग्लोज इन द डार्क, क्लीन पायलट वॉच इफ़ यू सी, यू नो अमेजिंग बैक केस एज वेल। सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स जिसकी वजह से भी आपको ये वॉच ज़रूर लेनी ना। ऑटोमेटिक एक बहुत ही मुझे फाड़ फीचर है, इसका बहुत लगा है, क्योंकि इसका ना इसका जो क्राउन है मुझे बड़ा सही लगता है। पहले तो ये स्क्रू डाउन है, तो आप स्क्रू डाउन करिए इसको, ठीक है, ये अनलॉक होगा बिकॉज ऑफ द वाटर रेजिस्टेंट लेवल जो बनाया है, इसलिए इसको लॉक करके रखा है बहुत अच्छे से। जब ये स्क्रू डाउन करेंगे तो अनलॉक होगा। पहले पोजीशन पे नाउ इट सीको NS35A में डे टाइम का फीचर भी है, बट इसमें नहीं है, जो कि दे सकते थे क्योंकि क्लीन रखना था इसलिए शायद नहीं दिया, तो आप वो डेट चेंज कर, तो उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वाइंडिंग ज़रूर होगी, मैनुअल वाइंडिंग। फिर एक और बार आप खींचेंगे तो पोजीशन टू पे जाएगा, पोजीशन टू पे आप टाइम चेंज करते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट इस पर सेकेंड हैकिंग है, तो सेकंड वाला रुक जाता है अगर आप देखो तो, आप टाइम करके आप उसे वापस से वहीं चालू कर सकते हो ना। उसको अगेन सील, प्रॉपर सील करने के लिए आपको वन फिर वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर आपको रिवर्स पे टाइट करना पड़ेगा। सो ये भी बहुत अमेजिंग फीचर इस वॉच का, जिस प्राइस रेंज पे आ रहा है इतने सारे फीचर होना बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू हैव दिस पायलट वॉच। HMT पायलट भी है मेरे पास, वीडियो बनाया हुआ आई बटन पे आ रहा है, ये तो वो तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगा आपको, प्राइड मोमेंट है, बट ये मतलब आप पहन के चलोगे ना, पीपल आर गोइंग टू नोटिस इट, लेट मी टेल यू। सो ये सारे जितने मैंने अभी फीचर्स बताए आपको जल्दी जल्दी, ताकि जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, ज़्यादा मतलब 5-6 बार ही पहना है, मैं इतना पहन नहीं पाता क्योंकि और भी वॉचेस हैं, मैं संडे को डिसाइड कर लेता हूँ मैं इसमें कौन कौन सी वॉचेस पहनूंगा, ताकि मैं सबको थोड़ा टाइम दे पाऊँ। सो दैट इज़ वाई ये वॉचेस का टाइम ज़्यादा नहीं आ पाता, बट व्हाट अ वॉच गाइज,
अभी लिमिटेड एडिशन जैसे मिलता है 1000 बेच होता है 500 वॉचेस ये भी फिर बेचेंगे। आई वुड रिकमेंड अगर आप पैसे जुटा के HMT के वो बैंड वैगन से निकल के ये ले पाओ तो प्लीज़ लीजिए। व्हाट अ वॉच गाइस, इनका एक क्वार्ट्ज वॉच भी आई हुई है, मैंने वो लेना पसंद नहीं किया, क्वार्ट्ज अब नहीं चाहिए मेरे को, मैं HMT के ले लूँगा, अच्छे बहुत सस्ती मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई, जाके देख सकते हैं। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली बैंड फॉर अ बक, प्लीज़ पैसे बचाइए, लीजिए इस वॉच को। और कोई अगर आपको कमेंट चाहिए, कुछ आपको हेल्प चाहिए, कमेंट में लिखिए, अच्छा बुरा जो भी लिख सकते हैं लिखिए, मेल करिए मुझे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। और आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गाय ऑन बाजार।